गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो जो PMFBY जो स्कीम है ये 7th ईयर में पहुंच गई है और जो है 18th फरवरी 2016 को इसको पीएम मोदी ने जो है वो इनॉग्रेट किया था। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो इसमें प्रीमियम कॉस्ट जो है जो फार्मर के शेयर से ज़्यादा होती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इक्वली सब्सिडाइज करते हैं। बट लेकिन ऑफकोर्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कंटेक्स्ट में ये 90% शेयर जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अब इसमें देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में जब शुरू हुई थी स्कीम तो 15,100 रुपये जो है वो एवरेज सम इंश्योर्ड था पर हेक्टेयर के हिसाब से, लेकिन अब वो बढ़कर जो है वो 40,700 रुपये हो चुका है। ठीक है, अब ये स्कीम की मतलब प्रोग्रेस दिखा रहे हैं हमें कि कितनी अच्छी स्कीम जो है ये चल रही है। अब इसमें जो है आपके प्री सोइंग से लेके पोस्ट हार्वेस्ट हर तरह के लॉस की जो है वो कवरेज दी जाती है फार्मर्स को, और यूनिफॉर्म प्रीमियम उनको पे करना पड़ता है। जैसे खरीफ क्रॉप्स के लिए उनको सिर्फ 2% प्रीमियम पे करना है, बाकी जो है सारा जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। 1.5% जो है उनको रबी क्रॉप्स के लिए पे करना पड़ता है। फिर जो है अगर कमर्शियल या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं तो उसके लिए उनको सिर्फ 5% प्रीमियम पे करना पड़ता है और बाकी सारा गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू उनका प्रीमियम पे होता है। अब अगर समझ लो उनका कोई लॉस हो जाता है तो उनको जो पैसा मिलना है इंश्योरेंस का ताकि वो डिले ना हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। स्मार्टफोन्स जो हैं उसके थ्रू वो जो है फार्मर अपनी लॉस को कैप्चर करके अपना क्लेम भर सकते हैं और उनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, अब 5.5 करोड़ फार्मर्स जो है वो पर ईयर जो है वो ऑलमोस्ट अप्लाई कर रहे हैं स्कीम के लिए, और आज तक जो है 90,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो इसमें जो है क्लेम सेटल किए जा चुके हैं ऑलरेडी। अब 2020 में कुछ इसमें ना चेंजेस आए थे स्कीम में, उसको भी देख लेते हैं। तो अब इसमें कहा गया कि 3 साल के लिए एक इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट किया जाए। इससे क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी को एक कॉन्टीन्यूटी मिल जाएगी, उन्हें आगे फर्दर प्लानिंग का जो है वो स्कोप मिल जाएगा। फिर स्टेट्स को या यूटीज़ को ये फ्लेक्सीबिलिटी दी गई है कि वो आप कोई अगर आप एडिशनल रिस्क को भी कवर करना चाहते हो, जैसे कि समझ लो जो आपके लोकस अटैक होते हैं या हेल स्टॉर्म होती है तो उनको भी वो कवर कर सकते हैं अगर स्टेट या यूटी अपने फार्मर्स को कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना चाहता है तो। और सिंगल रिस्क इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, समझ लो सिर्फ किसी कोई ऐसी स्टेट या कोई ऐसी लोकेशन है जहां पर सिर्फ हेल स्टॉर्म की प्रॉब्लम है, वहां और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिंगल रिस्क कवर भी जो है वो स्टेट को कहा गया कि वो दे सकती हैं। और ये स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है, ये स्कीम जो है वो वॉलंटरी कर दिया गया है फार्मर्स के लिए। पहले क्या होता था कि ये अगर स्कीम आपने नहीं ली होती थी किसी फार्मर ने तो उनको बैंक क्रेडिट नहीं मिलता था, तो एक तरह से ये स्कीम उनके लिए मैंडेटरी हो गई थी। लेकिन हर फार्मर इस स्कीम को अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसको वॉलंटरी कर दिया जाए। फार्मर्स का अगर मन है तो वो ये लें स्कीम, नहीं तो वो नहीं लें। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है उसको। अब हम देखते हैं ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है क्या। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की फंडिंग के लिए। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें ऑफकोर्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा देती है, लेकिन जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी करती है। अब इसका टारगेट रखा गया था कि 2020 तक हम चाहते हैं कि ग्रो जो है एनरोलमेंट जो है हायर एजुकेशन में 30% तक बढ़ जाए। ठीक है, बाय 30% मतलब 30% जो है, जैसे अगर समझ लो पहले 50% है तो 50% का 30% कितना हुआ 15, तो 15% एक्स्ट्रा मतलब टोटल 65% बढ़ जाए 2020 तक। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है कि हायर एजुकेशन पे ज़्यादा फंडिंग जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज देंगी स्टेट या यूटी को, स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल्स के थ्रू, और वो फिर जो है आगे काउंसिल्स जो है वो आगे आइडेंटिफाइड इंस्टीट्यूशंस को जो है वो फंडिंग आगे उसी पैसे से करेंगे। ठीक है, अब इसका मोटिव ये था कि कम से कम एक मॉडल डिग्री कॉलेज हर 60 एजुकेशनल बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में बना दिया जाए। और इन एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई किया गया था, जिन डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल एवरेज से कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उनको जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स माना गया। ठीक है, अब इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को भी ऐड किया गया सेकंड फेज में। कहा गया कि हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 न्यू मॉडल डिग्री कॉलेज जो है वो खोला जाएगा, तो ये सेकंड फेज में किया गया। अब जो न्यू फेज आ रहा है जो अगला 2026 तक, उसमें न्यू क्या है, अब उसमें जो बचे कुचे जो रह गए हैं डिस्ट्रिक्ट्स या अनसर्व्ड एरियाज या रिमोट या रूरल एरियाज
लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरियाज, ऐसे एरियाज को कवर करने की इसमें बात की गई। और इसमें अब इंक्लूजन, जेंडर इंक्लूजन, इक्विटी, लोगों को एनरोलमेंट बढ़ाओ, और उसको ये भी देखो कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मेन जो है वही सिर्फ, या जो है मेल स्टूडेंट्स ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एनरोलमेंट करवा रहे हैं। आपको जेंडर इंक्लूजन भी देखना है, इक्विटी भी देखना है कि हर तबके के लोग जो है वो एजुकेशन ले पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज का भी यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस फेज़ में, थर्ड फेज़ जिसको हम कह सकते हैं, उसमें अडॉप्ट की गई हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा चांस है इसके ऊपर क्वेश्चन आने के, क्योंकि ये आपका इस कह सकते हैं इस डेकेड का सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक है। तो ये है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, मच अवेटेड था ये, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अनाउंस किया है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को। अब इसमें हमारा टारगेट ये है कि हम 2030 तक 5 मिलियन टन्स जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन बनाएं और इंडिया में, और उसको एक्सपोर्ट भी करें, ठीक है। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, पहले तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है। अब हाइड्रोजन कहाँ से निकलती है, हाइड्रोजन को पानी के एटम्स को तोड़ के ही निकाला जा सकता है, H2 और O आपको पता है ना, तो H2 को अलग करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो अगर आप फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, समझ लो थर्मल पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप पानी के एटम्स को तोड़ रहे हो, तो उसको हम कहेंगे ग्रे हाइड्रोजन, जो उससे हमने हाइड्रोजन निकाल लिया उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की है वो खुद ही फॉसिल फ्यूल से है, तो आप जो है उसको हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन अगर आपने फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करके हाइड्रोजन जो है वो जनरेट की है वाटर से, लेकिन आपने उस फॉसिल फ्यूल्स में से जो कार्बन निकला है उसको कैप्चर कर लिया है, तो उसको हम ब्लू हाइड्रोजन कहेंगे। लेकिन जो सबसे बेस्ट फॉर्म है वो है कि अगर आप रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से जो है इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करो, और उस इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप वाटर के का इलेक्ट्रोलिसिस करके उसमें से ग्रीन अगर आप हाइड्रोजन निकालोगे, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है, जो कि इन्वायरमेंटली जो है वो सब सस्टेनेबल है और इन्वायरमेंटली जो है वो क्लीन भी है, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन ही कहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए ही गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाल ली है। अब इसमें क्या कहा गया है, अब इसमें कहा गया है कि जो ये रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स होंगे जो कि आपके ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन में काम करेंगे, उनको 25 साल तक जो है गवर्नमेंट फ्री पावर ट्रांसमिशन देगी। अगर वो जुलाई 2025 से पहले कोई न्यू रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगा रहा है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, उसको 25 साल की फ्री पावर ट्रांसमिशन मिलेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो है जो सोलर पावर प्लांट है वो राजस्थान में सिचुएटेड हो, लेकिन अगर आपको असम में बिजली बेचनी है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी, उसको आप फ्री में बेच सकते हो, ठीक है। आप उसको मतलब आपको कोई इंटर स्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस जो वैसे देने पड़ते हैं वो नहीं देने पड़ेंगे। अब इससे होगा क्या, अगर ऐसे बिजली जनरेट की जाएगी, ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन जनरेट की जाएगी, तो वो सस्ती जनरेट होगी हाइड्रोजन, है ना, क्योंकि जो है जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट है उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, तो जो वो हाइड्रोजन भी जो जनरेट करेगा वो सस्ती होगी। जब हाइड्रोजन सस्ती होगी, ग्रीन हाइड्रोजन, तो जो ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, स्टील सेक्टर्स हैं, उनको हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, तो उनको सस्ती जब हाइड्रोजन मिलेगी तो उनके लिए भी इकोनॉमिकल हो जाएगा और उनकी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छा हो जाएगा, और वो ये जो आपकी ऊपर से जो आपको ये ग्रे हाइड्रोजन या फिर ब्लू हाइड्रोजन जो वो लेते हैं वो उनको नहीं लेनी पड़ेगी, वो डायरेक्टली हाइड्रोजन लेंगे, उसकी तरफ मोटिवेट होंगे, ठीक है। कैसे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, एक सिंगल पोर्टल बनाया जा रहा है जिसपे सारी क्लियरेंसेस मिल जाएंगी ग्रीन हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए। फिर ऐसे एनर्जी पावर प्लांट्स जो है उनको, जिन्होंने जो ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं उनके रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी ग्रिड के साथ जोड़ने में, ठीक है। फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको भी अलाउ कर दिया गया है कि ऐसे जो रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन बना रहे हैं उनसे आप जो है प्रोक्योर कर सकते हो रिन्यूएबल एनर्जी, और वो आपके जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का जो कोटा है उसके अंदर वो काउंट होगा, ठीक है। अब जो है पोर्ट अथॉरिटीज को भी ये कहा गया है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया बना रहे हैं उनको पोर्ट में लैंड दो, पोर्ट के पास, ताकि वो अपनी जो है स्टोरेज जो है वो बना सकें, स्टोरेज की लोकेशंस बना सकें, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और हमने सबसे पहले जर्मनी और जापान जो है वो मार्केट्स को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। अब आने वाले टाइम में इसी पॉलिसी के अंदर जो है ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर को, फर्टिलाइजर या स्टील सेक्टर को भी ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन अमोनिया प्रोक्योर करने के लिए और बेनिफिट्स गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अनाउंस करने वाली है।
ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो अब ये आपके जो बहुत फेमस सिंगर या म्यूजिक कंपोजर थे जो जब बप्पी लहरी जी उनकी जो है डिमाइज हुआ है, तो उनकी उनकी जो ये कॉज ऑफ डेथ जो है वो कहा जा रहा है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है, आपके जो थ्रोट के मसल्स होते हैं वो फैट उसमें जमा हो जाता है। तो आपने सुना होगा ना खराटे बहुत आते हैं, है ना, तो खराटे आने की वजह से ही क्या होता है कि जो आपके जो जो ये जो थ्रोट के मसल्स होते हैं ये इतने ज़्यादा जो है वो वीक हो जाते हैं कि कई बार ये बंद हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि खासकर ये जो ओबीज मैन होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। और उससे होगा क्या, जब आपके मसल्स बंद होने लगेंगे थ्रोट के तो उससे आपकी बॉडी में कम ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि जो खराटे लेते हैं वो एकदम से जाग जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है तो हार्ट जो है वो एक तरह से पंप करता है, उनको उठा देता है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, अब हर बार तो वो नहीं उठेंगे, लेकिन सिचुएशन प्रॉब्लम कब आती है, जब ये ऑक्सीजन स्लीप एपनिया की वजह से ऑक्सीजन बॉडी में कम हो रही है। जब बॉडी में ऑक्सीजन कम हो रही है तो उससे हार्ट अटैक भी आ सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स हो जाएंगे, या फिर कोई भी और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है। अब इसका रीजन क्या है, क्यों होता है ये, तो मोस्टली ये ओबेसिटी की वजह से ही होता है। तो 4% जो है विमेन में ये पाया गया है और 13.4% मोस्टली मतलब मेन को ही सबसे ज्यादा ये होता है। ठीक है, अब इसको ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट एक ही सबसे जो कारगर ट्रीटमेंट है वो ये है कि अपना वेट को लूज करो। ठीक है, कई सर्जरीज भी होती हैं ऑफ कोर्स इसकी, लेकिन उसमें क्या होता है सिर्फ स्नोरिंग की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन ये स्लीप एपनिया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम नहीं ठीक होती है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि अपना वेट लूज किया जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रोजेक्ट को जो है वो मंजूरी दे दी है 2026 तक। ये एक ऐसा नेशनल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सारा आईटी जो है वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लिंक कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, समझ लो वन डेटा वन एंट्री। समझ लो कोई एक क्रिमिनल है, उसका डेटा अगर आपने पुलिस स्टेशन में एंट्री करी उसके नाम की, तो जो आपके फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट है, कोर्ट्स हैं, ई कोर्ट्स जो है सिस्टम, ई प्रोसिक्यूशन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का सिस्टम है, ई प्रिजंस, यहाँ सब पे भी जो है ये सब भी उनको एक्सेस कर पाएंगे। तभी तो इंटरऑपरेबल दिखा है ना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये पांचों सिस्टम्स में ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी, हर सिस्टम को अलग अलग बार एंट्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें मॉडर्न पुलिसिंग का ये रोल है, मॉडर्न पुलिसिंग के लिए इसको लेके आया गया है। अब ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये इसमें क्लाउड बेस्ड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और इसको एनसीआरबी और एनआईसी मिलकर इसको ऑपरेट करेंगे, ऑफ कोर्स स्टेट्स और यूटीज के साथ कोलैबोरेट करके। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वैकेंसीज इन ट्रिब्यूनल्स। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लॉयर्स को अश्योर किया है कि वो जो ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज पाइल अप होती जा रही हैं उसको उस इशू को एड्रेस करेंगे गवर्नमेंट के साथ। तो 2021 में भी ये केस हुआ था कि स्पेशल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जो है सीजीआई हेडेड बेंच ने कहा था कि बहुत जो है हम नहीं चाहते कि कन्फ्रंटेशन हो गवर्नमेंट के साथ, लेकिन गवर्नमेंट जो कोर्ट की जो है वो पेशेंस अब रन आउट हो रही है क्योंकि बहुत सा लंबा टाइम हो गया कि जो है आपके ट्रिब्यूनल्स में वैकेंसीज बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को राधन ये कहा था कि अगर आपको ऐसा है तो आप ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दो, या तो अपॉइंटमेंट्स जल्दी से करो या फिर हम आपके खिलाफ कंटेम्प्ट एक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद पार्ट 14A ऐड किया गया था जिसके अंदर दो आर्टिकल्स आए। ठीक है, आर्टिकल 323A और आर्टिकल 323B। तो आर्टिकल 323A के अंदर जो है वो पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बना सकती है। ठीक है, बाकी अदर मैटर्स के लिए जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर्स भी बना सकती है ट्रिब्यूनल, जो कि 323B में कहा गया है। तो ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट भी एक जो है पार्लियामेंट ने पास किया था इसी के लिए, और उसके लिए उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स जो है वो एस्टैब्लिश किए थे। ठीक है, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ फोर्स पार्लियामेंट के पास है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया यूएई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो अब इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया यूएई के साथ, आपने सुना होगा। तो ये मोदी जी की गवर्नमेंट का सेकंड मेजर ट्रेड डील है ये सिंस 2014। इससे पहले हमने पढ़ा भी था इंडिया मॉरिशियस के बीच में भी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और जिसको हम ट्रेड डील कह सकते हैं, वो साइन हुई थी February 2021 में। अब जो यूएई के साथ साइन हुई है उसमें हमारा मोटिव ये है कि हम $100 बिलियन तक का ट्रेड ले जाएं यूएई के साथ अगले 5 साल में।
अब इसकी थोड़ी सी हाइलाइट्स देखते हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि लगभग 80% प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूएई में, और खासकर जैसे हमारे टेक्सटाइल्स हैं उनको $12 बिलियन तक का वो नेक्स्ट 2 ईयर्स में एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे। प्लास्टिक का इम्पोर्ट भी जो एक्सपोर्ट जो है वो भी 3 गुना बढ़ जाएगा। स्पोर्ट्स गुड्स या फर्नीचर एक्सपोर्ट्स जो है यूएई में उनको भी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है। इंडिया अब जो ट्राई कर रहा है कि चीज़ स्पाइसेस ऑर्गेनिक केमिकल्स और पेपर प्रोडक्ट्स को भी जो है वो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिले, ठीक है। अब इस एग्रीमेंट से इंडिया में 5 लाख जॉब्स जनरेट होंगी इन सारे सेक्टर्स में जिनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा है। फिर गवर्नमेंट जो है को रिक्वेस्ट किया है बहुत सारी इंडस्ट्रीज ने, खासकर जो गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, कि उनको कि वो यूएई को पुश करें कि जो 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है यूएई में इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, इन ज्वेलरी के एक्सपोर्ट्स पे, उसको भी अबॉलिश कर दिया जाए, क्योंकि जो है पैंडेमिक के टाइम पे इस इंडस्ट्री ने या इस सेक्टर ने बहुत सफ़र किया है, ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के अंदर डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो है, इन सब के बारे में भी जो है वो डिटेल्ड जो है वो एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएई जो है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएई जो है इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी है। इंडिया में जो जितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया, यूएस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया, सेकेंड नंबर पर यूएई में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया, ठीक है। अब इवन जो है 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में यूएई। $11 बिलियन वहां की कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किए हुए हैं, और इंडियन कंपनीज ने यूएई में $85 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट की हुई है, ठीक है। अब इससे इंडिया को क्या होगा कि बहुत सारा ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिल रहा है यूएई में बहुत सारे सेक्टर्स का, जैसे टेक्सटाइल, अपैरल, एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा। तो ये एक तरह से एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हुई है कि हमने यूएई के साथ अभी एग्रीमेंट साइन किया है, तो हमारे साथ धीरे धीरे और भी हम जो है कंट्रीज के साथ, अभी आपको देखो ऑस्ट्रेलिया और यूके, कनाडा, इसराइल, इन सब के साथ भी हमारी नेगोशिएशन चल रही है, और आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली इस साल जो है बहुत सारे और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स इंडिया साइन करने वाला है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। सो द फर्स्ट टॉपिक इज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सो पीएम फसल बीमा योजना हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 6 ईयर्स एंड नाउ इट हैज़ एंटर्ड द 7th ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस स्कीम इज बेसिकली indemnifying the farmers for the crop losses and the premium cost that the farmers are paying, the cost above the farmer share, that is you know that these farmers are paying just 2% of the premium for the kharif crops and 1.5% of the rabi crops. Over and above that amount, the amount is shared equally by the state governments as well as the government of India. In case of course northeastern states, 90% of the premium subsidies taken care by the government of India, and this scheme extends coverage for the farmers for the entire cropping cycle, that is from pre-sowing to post-harvest losses. Okay, so uniform premium is being paid by the farmers for at the rate of 2% for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops. In case of course commercial and horticultural crops, the premium that the farmers are going to pay will be 5%. Okay, so of course there is no upper limit on government subsidy. Even if it is more than 90% or 95%, the government will share the burden, the state government as well as the central government. And to facilitate farmers, the use of technology has been introduced. So whenever, let's say, there is a storm or the farmer's crop is lost, the farmer can use the mobile technology, they can take pictures and they can claim their losses. Okay, so about 5.5 crore farmer applications have been are processed year on year basis under this scheme, and about since last till last year basically about 90,000 crore worth of claims have been already addressed. Okay, so certain changes were already also introduced by the government in year 2020, like the allocation of business to insurance company will be for 3 years. So because it will give continuity to insurance companies, they can plan ahead for 3 years. It will provide them a confirmation that they are into this business for at least 3 years, so they can plan accordingly. So also the state governments have been provided flexibility if they want to cover additional risk features or any new features in this scheme. And
इन केस देर इज देर आर स्टेट्स वेयर देर इज जस्ट वन काइंड ऑफ रिस्क टू द फार्म फ्राम टू द क्रॉप्स देन दे कैन इंट्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सिंगल पेरिल रिस्क इंश्योरेंस कवर स्कीम लाइक इन सम केसेज इन सर्टेन स्टेट्स ओनली देर इज ओनली प्रॉब्लम ऑफ हेल स्टॉम एंड इन सर्टेन स्टेट्स देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लोकस्ट अटैक्स देन दे कैन इंट्रोड्यूस द स्कीम्स फॉर दैट पर्टिकुलर risk only. Okay, and very important change was made also. The scheme has been made voluntary for all farmers. Okay, so earlier it was indirectly being made mandatory because the banks were not giving credit to farmers if they were not insured under this scheme. But that, but all those conditions have been withdrawn, and now the farmers are they can exercise their free will, and they if they do not want this scheme, then they do not need to buy that. Okay, so now let us see the next topic, which is Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan. So the government has approved the Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan till 2026, and this scheme was actually launched in 2013 to provide funding to higher education institutions throughout the country. It's a centrally sponsored scheme, and initially it aimed to increase enrollment in higher education by 30% by the year 2020. So of course this scheme stands valid even today. Not all the educational institutions have been covered. That's why we are continuing this scheme, of course. So under the first phase, the target was to create at least one model degree college in 60 educationally backward districts. Okay, so which were the educationally backward districts? So all those districts which had the gross enrollment ratio below the national average were identified as the educationally backward districts. And in second phase, the focus was on opening up of new model degree colleges in aspirational districts. Okay, so what is new now? What is new under this this third phase? We can call it the third phase. So the scheme, the government wants to cover the unserved, underserved areas or the remote or rural areas which have been left out till now, or the left-wing affected areas. And the state governments have also been asked to support gender inclusion, and they must ensure that the enrollment in higher education is based upon equality. Equity is there. People from all background are enrolling in higher education. So all such initiatives have also been accommodated under this new phase. Okay. So now let us see the next topic, which is green hydrogen policy. So it is a very important topic. I'm again reminding you because this is a very big industry that is coming up, especially under the renewable energy sector. So you have to focus upon this particular topic also. Okay. So this green hydrogen policy, this is a much awaited policy. It was actually announced in the last year's budget that the government will come up with a green hydrogen policy. And now it has come up with this policy after a year. So this policy basically aims to increase the domestic production of green hydrogen to 5 million tons by the year 2030 and to make India an export hub for this clean fuel. Okay, so what is green hydrogen? Before that, we have to see what are the types of hydrogen. So you know that hydrogen is derived from splitting the atoms of the hydrogen and oxygen atoms of water. So how is it done? It is done using electricity or the electrolysis process. So if you are generating electricity through fossil fuels, let's say coal powered electricity is being utilized to split the atoms of water to generate hydrogen, then in that case it would be gray hydrogen because you are using fossil fuels. Okay, so but if you are using fossil fuels to generate electricity, but you are capturing that carbon from the fossil fuel generation plant, then in that case, if you are producing hydrogen, it would be called as blue hydrogen. But the best form of best form is the green hydrogen, in which you are using renewable sources of energy, let's say wind power or solar power, to produce electricity, which is further used to split the hydrogen atoms from water. So this is the best case scenario. Green hydrogen is the best form of hydrogen production. Okay, that's why we have come up with this green hydrogen policy. And the policy basically is offering 25 years of free power transmission to all those new renewable energy plants which will be set up in the country before 2025 July. Okay, so
What does it mean? Currently, if you are a power producer and you are selling your electricity in, let's say, from Rajasthan to Assam, then you have to pay interstate transmission charges. But in this case, 25 years, you would not have to pay any transmission charges from interstate transmission charges. The government of India will forego these charges. So it will basically reduce the cost of your power transmission. So it will make the green hydrogen cheaper, and it will also make the power cheaper. Okay, so it will, when this green hydrogen will get cheaper, the industries which are reliant on hydrogen or ammonia use, like oil refining sector, fertilizer sector or steel sectors, they will get this hydrogen at cheaper cost than the conventional gray hydrogen. So they would be motivated to adopt this green hydrogen instead of the gray hydrogen which they are currently consuming. Okay, so what are the kind of incentives which have been announced by the government? So there will be a single portal for all clearances if you want to set up a new renewable energy plant for producing green hydrogen, and the energy plants which will be producing these green hydrogen or green ammonia, they will be given priority for connection to the grid. Okay, even the power distribution companies are encouraged that they should procure this renewable energy to supply green hydrogen, and it would also count in their renewable renewable purchase obligation. The port authorities have also been asked that they should provide land at applicable charges to these green ammonia or green hydrogen producers so that they can set up their storage facilities, because our aim is also to export this green hydrogen to other countries. So Germany and Japan have been identified as the potential markets for India's green hydrogen. Okay, so what next? So what the government is planning next? So the government is planning that these all oil refining sector, fertilizer industry, steels sector industry, which are the consumers of ammonia or green hydrogen, they should be encouraged that they should shun their gray hydrogen or blue hydrogen also, and they should go forward to adopt green hydrogen. Okay, so now let us see the next topic, which is obstructive sleep apnea. So you know that a very famous singer and music composer, Bappi Lahiri ji, passed away recently, and he passed away due to obstructive sleep apnea. So this is basically obstructive sleep apnea occurs when the muscles in your throat and or your upper airway relaxes during sleep, and basically it blocks the airway. Okay, so it generally happens in obese men because they get the extra fat in their throat muscles. So the oxygen intake during the sleep reduces. So what happens is that because of low oxygen level, in the body, it can lead to heart attack or stroke like conditions, and it can even increase the blood pressure. So this problem is basically more among the men than women, and the best way to reduce symptoms of this OSA is to lose weight. There are surgeries also, but the surgeries have not been found to be very effective in treating this OSA. Okay, so the best way forward is to lose weight. So now let us see the next topic, which is interoperable criminal justice system. So Government of India, rather the Ministry of Home Affairs, has approved the implementation of this ICGS project. So it is basically a national platform. It will integrate the IT system which is used by the criminal justice system in the country. So from police to forensics department, from courts to prisons, everything will be linked. Let's say just there is an accused and he is sentenced to sentenced to jail, then all these five pillars of the criminal justice system, they will be interconnected, and these officials would have to make just one entry. Let's say the police makes an entry about the person, then all these five pillars will have the access to that information. Okay, so it is basically providing an overarching IT infrastructure for the entire criminal justice system in the country, and it will of course be a central sector scheme. It will create a cloud-based secure infrastructure with high-speed connectivity, of course, and NCRB and NIC will be implementing this scheme in collaboration with the state governments or the UTs. Okay,
So now let us see the next topic, which is vacancies in tribunals. So you know that there has been a lot of hue and cry about the vacancies which are very high in tribunals, and that's why Supreme Court has assured lawyers that it will be taking up the issue of vacancies in key tribunals. So in September also, a special bench of Supreme Court, which was led by the CJI, had said to the government that it is not in the interest of the country for the judiciary to have confrontation with the government over such issues. But the court was running out of patience, so it even went further. The Supreme Court went even further and asked the government that it had only three options: either close the tribunals, or make appointments, or you will be the Supreme Court will of course initiate the contempt action against the government. Okay, so what is important for us is to see here is the tribunals. Okay, so the Constitutional 42nd Amendment Act, which was based upon the recommendations of Swaran Singh Committee, introduced this part 14A of the Constitution in the Constitution, and it brought two articles under its domain. Okay, so under Article 323A, the administrative tribunals can be established, and only the parliament can make a law for that. Okay, and under Article 323B, tribunals for other matters can be established, and even the state legislatures are empowered to constitute these tribunals, if of course they are under their respective subjects. Of course, would be based upon the union list, state list, or the concurrent list. Okay, so Administrative Tribunals Act was already passed by the parliament, and it consists of the Central Administrative Tribunal, the State Administrative Tribunals, and the Joint Administrative Tribunals. Okay, so now let us see the next topic, which is India-UAE Free Trade Agreement. So you know that India has recently signed a trade pact with UAE. It is kind of the second major trade deal that India has signed since the Modi government took power in 2014. So the first one was, of course, that we signed with Mauritius last year in February 2021, but this one is very extensive, and through this trade deal we want to increase India-UAE trade by or up to $100 billion in the next 5 years. Okay, so what are the highlights of this trade deal? So import duties will be brought down on almost 80% of the items that India exports to the UAE. Most importantly, the textile sector will get an opportunity to export almost $12 billion worth of additional textiles in the next 2 years. Similarly, the export of plastics will also grow by three times in the next few years. Sports goods and furniture exports to the UAE would also get zero duty access to the UAE. India is also negotiating duty-free access to cheese, spices, organic chemicals, and even paper products. So what are the benefits of it? So it will generate almost 5 lakh jobs in India. And the government is also negotiating about other key areas like digital trade, intellectual property rights, and government procurement, etc. Okay, so why is it significant? Like I've told you that UAE is the third largest trade partner of India globally, and UAE is also India's second largest export destination. The first one is of course the US. We export the maximum to the US, but UAE is the second largest export market for India. Okay, so the UAE is also the eighth largest investor in India. UAE companies have invested almost $11 billion in the last 20 years, and Indian companies have almost invested $85 billion in UAE. Okay, so what does India expect to gain from it? So this trade deal would of course give greater market access to UAE, to India in the UAE. Our products like textiles, apparels, agriculture and processed foods, electronics, gems and jewelry, etc. They will get greater market access. And don't forget that UAE is the hub, and you can export further because UAE itself is having a lot of free trade pacts with other countries. So India will get more market access with this UAE's trade pact. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.